सुशील, तो फिर ऐसे में आप जब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बोल रहे हैं तो कहां लॉन्ग टर्म नजरिया कहां रखें? देखिए स्टॉक स्पेसिफिक के भी बीच में हम 2 मिनट के लिए मोटा चित्र सेक्टर्स का एक बार रिव्यू कर लें। जो लास्ट वीक अपनी बात हुई थी कि रिफाइनरीज में अदम तेजी के आसार बन रहे हैं, तो अब मैं उस कॉल को अपग्रेड कर रहा हूं कि चाहे निफ्टी 15,000 हो जाए, चाहे 16,500 का पहले बीच में अंतरिम तलहटी है, रिफाइनरीज में तेजी करनी है। वो जो स्टैंड अलोन रिफाइनरीज हैं, छोटी रिफाइनरी जो छोटी बैलेंस शीट्स है, हाई बीटा स्टॉक्स है, तो कोचीन MRPL सबसे पहले शुरू हो जाइए, पर BPCL HPCL कोई से बाकी नहीं रहेंगे। बाजार में मंदी अगर आती भी है तो ये सेक्टर सेफ है और इसमें पैसा बनता दिखता है। दूसरा, सीमेंट के स्टॉक्स में नहीं बेचूंगा, और सीमेंट के अंदर में भी मेरे टॉप 3 पिक्स हैं जिनको लेने की ही चार्ट है, इंडिया सीमेंट्स, डालमिया भारत और आपके बिरला कॉरपोरेशन। ACC में मुझे लगता है शायद लॉन्ग टर्म बॉटम हो गया, और जो ACC में बीच में जो भाव आ गए थे पैनिक के, शायद दिखेंगे नहीं, बहुत लंबे टाइम तक दिखेंगे ही नहीं। बाकी भी सीमेंट के स्टॉक्स ठीक है। अब इन दो के सिवा कुछ चुनिंदा NBFCs जिनकी ऑर्बिट अलग है, जैसे LIC हाउसिंग फाइनेंस में अपनी बात हुई थी, 5 दिन से अच्छा ट्रेंड आ गया, एनी पुल बैक विल बी अ बाय। इंडिया वुल हाउसिंग फाइनेंस में भी अब बाई का पैटर्न बन चुका है, एवरी पुल बैक इज अ बाय। अब आप SBI कार्ड भी ले सकते हो और मुथूट और मन्नापुरम भी ले सकते हो, पर बाकी दुनिया भर की और भी NBFCs हैं जिनमें करेक्शन पेंडिंग है, वो मार्केट के साथ चले जाएंगे। अब आते हैं हम अगर बैंक्स पर, तो सारे के सारे लार्ज बैंक्स लेड बाई ICICI एंड SBI, और अंततः तो HDFC बैंक को भी बैंक निफ्टी के साथ चलना पड़ेगा, और वो जब टूट जाएगी अपने प्रायर सपोर्ट से तो बैंक निफ्टी की नीचे की चाल मजबूत और हो जाएगी। पर इंडसइंड और ये एक्सिस बैंक, ये सब बेच के ही पैसा बनाना लगता है। हम स्मॉलर PSU बैंक्स में बेचने के सौदे इसलिए नहीं करेंगे कि हमें आगे भी लॉन्ग टर्म में उनमें बहुत बड़ी चाल ऊपर की दिखती है, तो विल स्टे ऑन द साइड लाइन कि जब वो और ज्यादा करेक्शन हो जाएंगे तो उन्हें बड़ी तेजी के लिए लेना है। और IT में लार्ज IT विप्रो, इंफोसिस, TCS लगातार डाउन ट्रेंड मेंटेन है, तो ये बेचने के हैं और स्मॉल ITs लेना है। सेम पिक्चर फार्मा में है कि स्मॉल फार्मास ने 12,000 के भाव दिया, अब बायोकॉन 2020 के बॉटम वाले भाव पे है, सिर्फ इसलिए लेने की बात नहीं, अब उसमें रिवर्सल का हम वेट कर रहे हैं। जैसे वो रिवर्सल कंफर्मेशन आएगा तो बायोकॉन में हो सकता है बेतहाशा पैसा बने ऊपर का, तो हम उसको रिजर्व में रखेंगे। और अगर आपके शिल्पा मेडिकेयर या औरोबिंदो फार्मा, जितना मैनेजमेंट कंसर्न, ये वो कॉरपोरेट गवर्नेंस, वो सारी चीजें भाव में आ चुकी है, तब तो ये चार्ट बनी है। स्मॉल फार्मा सिलेक्टिवली बिगिनिंग टू बाय, लार्ज फार्मा अभी भी घटेंगे, डीवीज, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, एवरी रैलीज स्टिल ए शॉर्ट सेल। तो IT फार्मा में स्मॉल स्टॉक्स बाय, लार्ज कैप सेल, रिफाइनरीज बेतहाशा तेजी, ONGC भी थोड़ा करेक्शन एक बार हो जाए तो ONGC भी मेरे को लगता है 2023 में पूरे साल ऊंची अच्छी बढ़त की रिटर्न्स देगा। और इसके अलावा जब आप स्टॉक स्पेसिफिक निकलते हो, जो सेक्टोरल स्टॉक्स नहीं, तब इंडिया बुल्स रियल्टी, अब जो भी उसकी मैनेजमेंट की साइकिल चेंज हो गई है, स्टॉक की साइकिल चेंज हो गई है, सही स्टोरी तो मूवमेंट आने के बाद डिस्कवर होगी, पर बाकी के कोई भी रियल्टी स्टॉक्स में मुझे तेजी नहीं लगती, पर इंडिया बुल्स रियल्टी स्टैंडिंग अपार्ट। सो ये थोड़ा सा विचित्रताओं का बाजार है, और चार चीजें घटेगी, दो चीजें बढ़ेंगी, और इंडेक्स ब्रॉडली अभी भी घटने के ही रुझान पर है, बेच बेच के ही पैसा कमाना ठीक लगता है। मेरे को आपसे रिलायंस पे व्यू जानना है। रिलायंस भी एक बार के लिए तो 2323 वाला 2800 करीब जाके फिर रिवर्स कर गया, और इसका भी पार्टिसिपेशन आइदर साइड पे जरूरी है इंडेक्स के लिए। आपको क्या चार्ट पे नजर आता है, इसके वीकनेस है, बाय ऑन डिप्स है? एक समय था जब रिलायंस की मूवमेंट इंडेक्स की मूवमेंट होती थी, पर अब सिर्फ इंडिया में नहीं, पिछले 10 सालों में बाजार इतने परिपक्व होते चले गए हैं कि वर्ल्ड की करीब करीब हर एक इंडेक्स में 7-8 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनकी सेंसिटिविटी करीब करीब एक दूसरे के बराबर है। तो ऐसा बिल्कुल संभव है कि रिलायंस अकेला घट जाए और इंडेक्स खास न घटे, जो हुआ 2800 से रिलायंस घटता चला गया 2300 तक, और इंडेक्स लास्ट में लुढ़का। और अब अगर ये रिलायंस कुछ रीबाउंड दे रहा है तो मुझे सिर्फ रीबाउंड की चार्ट दिख रही है कि रिलायंस अकेला बढ़ जाएगा और निफ्टी घटेगी, ऐसा नहीं है। पर रिलायंस हो सकता है दिन दो एक थोड़े से पुअर सिग्नल्स दे, फिलहाल लास्ट 2 दिन से उछाल पर है, सेल को रिज्यूम करने का सिग्नल आया नहीं है, और घूम फिर के इसको भी हम बेच के लेने की कोशिश करेंगे, लेके बेचने की कोशिश अभी नहीं करेंगे।